What's up guys, welcome back again. आप देख रहे हैं द मस्कुलैरिटी और मैं हूँ रौनक बिंद्रा. वेलकम बैक अगेन. आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. आज हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में, जो एक बहुत ही हटके टॉपिक है. टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रहता है फॉर स्पेशली मेंस. और अब क्या हो रहा है, आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से मेनली जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होता जा रहा है ड्यू टू आर लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी कम होता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्ली टाइम्स. सो यहाँ मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करेगा, वो भी नेचुरली. और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिंथेटिकली, इट इज़ ऑल नेचुरल विथ 7 हर्ब्स. ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना कोई पेड वीडियो है. ये मैं आपको अपने तरफ से एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे ज़रूर यूज़ करें अगर आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज है. मैं कोई ऐसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में बात नहीं करने वाला जो एक सिंथेटिक है, या मैं एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक 7 हर्ब से बना हुआ है, लाइक फिनोग्रीक, अश्वगंधा, त्रिबुलस. ये सारी जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करती है. आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में बात करने वाला हूँ. ये है बी बेटर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर. ये है हमारा बी बेटर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर. साइड में मैं एक फोटो भी डाल दूंगा वाला टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है. ये कोई भी पेड वीडियो या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं आपको अपने से एक सजेस्ट कर रहा हूँ. टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नॉट फॉर एज, लाइक मेरी जो एज है 18 से 30 तक, उन लोगों के लिए नहीं है ये. ये है जो 30+ है, जिनका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा हर ईयर डिक्रीज होता रहता है ड्यू टू देयर एज. सो ये उनके लिए है एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर. नंबर वन थिंग इज दैट ये ऐसा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है जो आपका नेचुरली इंक्रीज करेगा. एंड इसकी जो 7 हर्ब्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है. साइड में फोटो आ रही होगी, आप उसमें देख लेना. त्रिबुलस, टेरेस्ट्रियल, मुकुना, प्यूमनीस, फिनोग्रीक, सफेद मूसली, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, DHEA, LRG9, पेनेक्स, जिनसेन एक्सट्रैक्ट और जिंको ग्लोबिन एक्सट्रैक्ट. ये सारे जो 7 हर्ब्स हैं वो आपके टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है. अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे कि top 5 supplements फॉर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, तो ये सारे आ जाएंगे. ये सारे इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. सर्विंग साइज इनकी 2 tablets हैं जो आपको यूज़ करनी है. अब इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. एक टैबलेट आपको यूज़ करनी है अपनी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में और एक टैबलेट आपको यूज़ करनी है बिफोर बेड, जब भी आप सोते हैं. हमेशा अपनी टैबलेट्स को अपनी मील के साथ लें और ज़रूर यूज़ करें. 30 days का स्टैक है, इसे ज़रूर यूज़ करें. बहुत ही अच्छा स्टैक है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का. और साइड में आप मेरी फोटोज भी देख सकते हैं. टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन प्ले करता है फॉर योर मसल बिल्डिंग, फॉर योर फैट लॉस. सो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज है तो आप इसे ज़रूर ऐड कर सकते हैं. बट मैं आपसे हमेशा यही बोलूँगा कि आप पहले अपनी रिसर्च करें, पहले आप अपना रिपोर्ट देखें क्या आपका टेस्टोस्टेरोन सच में डिक्रीज है, तभी आप इसे यूज़ करें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है. मैं इसे यूज़ नहीं करता पर्सनली. मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जिसका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज है वो ज़रूर यूज़ करें टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बेटर की, बी बेटर की. नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको बाय करना है बाय कर सकते हो. अगर आपको कोई और कंपनी का बाय करना है वो भी बाय कर सकते हो. बट इसका जो सातों के सातों हर्ब्स हैं वो रिसर्चेस और साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करती ही करती हैं. तो आप इसे ज़रूर ऐड करो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज है. या मैं आपको एक और की पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में सिर्फ इससे ज़रूर ऐड नहीं होगा. आपको 3-4 चीज़ें और करनी पड़ेंगी. नंबर वन इज़ आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी पड़ेगी. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका फैट लॉस नहीं होगा. अगर फैट लॉस नहीं होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में फिर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा रहेगा. बिकॉज एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल हार्मोन होता है वो हमारा फैट बढ़ाने में हेल्प करता है और टेस्टोस्टेरोन हमारा फैट लॉस में हेल्प करता है और मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है. नंबर टू इज़ आपको अपनी डाइट एक बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी. प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स का बैलेंस रखना पड़ेगा. अपनी डाइट में जंक फूड को थोड़ा कम करना पड़ेगा और हाई प्रोटीन और एक अच्छी हेल्दी फैट्स वाली डाइट आपको यूज़ करनी पड़ेगी. नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा, आपको विटामिन डी सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करो अपनी डाइट में. विटामिन डी सप्लीमेंट आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज में भी हेल्प करता है और आपकी डेली जो इनटेक है, जैसे आप कभी कभी सनलाइट में नहीं आ पाते हैं तो विटामिन डी आपका उतना नहीं मिलता आपकी बॉडी में. सो विटामिन डी सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करें. और नंबर फोर्थ पॉइंट है आपका स्लीप. आपको कम से कम 7 से 8 घंटे स्लीप करनी ही करनी है, तभी आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाती है और आपका स्पर्म्स बनाती है. इस वरना
आपको अगर आप 7 से 8 आवर्स स्लीप नहीं लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये चारों पॉइंट अपने जरूर याद रखें और बी बेटर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जरूर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ इनके अंदर की पैकेजिंग भी, ये मैंने अभी ही मंगवाया है फॉर माई यूट्यूब फैमिली। ये है बी बेटर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर गाइस, ऐसे इनकी बॉटल आती है। मैं साइड में फोटो भी डाल दूंगा और वीडियो भी आ रही होगी आपके साइड में। ये देखिए ऊपर सील्ड है, 60 टैबलेट्स हैं, 30 डेज का स्टैक है, जरूर यूज करो उसे। साथ में मैंने जो चार पॉइंट्स बताए हैं, एक्सरसाइज करनी है, विटामिन डी सप्लीमेंट ऐड करना है, 8 से 9 घंटे की स्लीप लेनी है, और चौथा पॉइंट है एक बैलेंस डाइट यूज करनी है। ये चारों पॉइंट के साथ साथ पांचवा पॉइंट है हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बी बेटर की, जरूर ऐड करो। और अगर टेस्टोस्टेरोन आपके पक्का पॉजिटिव इफेक्ट आए, 30 डेज में आपको पक्का पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट भी जरूर करें और लाइक भी करें। ये है हमारा बी बेटर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का फुल रिव्यू। अगर आप और ऐसे रिव्यूज चाहते हैं तो कमेंट डाउन सेक्शन करें।